नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। और जिस प्रकार से जींद की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है हम हमेशा आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, एक बार फिर कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाई यहां पर जो देवीलाल चौक से जो रोहतक की तरफ जो रास्ता जाता है, यहाँ पर एक कंटेनमेंट जोन जो एरिया है, अभी तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कोई इसका फैसला नहीं आया अभी तक। और पुलिस की जो मौजूदगी यहाँ पर खड़े पुलिस के जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं यहाँ पर खड़े अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता है कि मान नहीं रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि पीछे एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके दिखाए कि चारों तरफ एक बार उस तरफ से भी साधन आ रहे हैं तो उस तरफ भी आ रहे हैं। पता नहीं, या तो जनता को पता ही नहीं है कि ये कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है या फिर जानबूझ कर क्या रहे हैं। भाई साहब, आप क्या साधन ले रहे हो? भाई ट्रैक्टर ले रहे हूं, मैं जमींदार हूं। ट्रैक्टर ले रहे? कहां जाना आपने? मन्ना मंडी में जाना, ट्रैक्टर काम करा के लेना भाई। मंडी में? हाँ। तो फिर भाई साहब आप ऊपर को जाना पड़ेगा आपने। भाई देवलाल जो वहाँ जाना मन मार्केट के अंदर है, आसी रोड पे। आसी रोड पे? आसी रोड पे जाना है। ऊपर को जा सकते हो? कहाँ को? ऊपर को घूम के, या तो अब यहाँ को जैसे जाओगे ना। अच्छा, वाना रोड है? वाना रोड से रानी तालाब, रानी तालाब से सीधा वहाँ पास। वहाँ भी गए थे, उधर भी यार नौको में उधर को जाओ। इनकी गाड़िया को जान के पहचान के उसने गप दी काट दी तो मैं मतलब होया जमींदार के लंबे इसका ऐसा तो मंडी में थाना में बंद करवाए जो हमारे अच्छा तो 5 किलोमीटर ट्रैक्टर रैली खड़ी है क्या? ये ट्रैक्टर रैली खड़ी है मेरी, देख एक बोले ये तो बोले उधर से निकाल ले, उधर वाला बोले भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? निकल बोले अपने अपनी गाड़ी को निकलने दे रहे हैं, क्या कह रहे हो? कौन सी निकली है भाई? जो गवर्नमेंट पर ड्यूटी पे आओ जाओ भाई साहब। देखो ऑन गवर्नमेंट जो ड्यूटी है, नहीं है ऑन कोई भी निकली भाई। डीसी ऑफिस में तो बैंक का काम गए थे, सिर्फ वो गाड़ी निकली है। बैंक का काम गए थे वो गई थे भाई साहब। हम पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं, जमींदार हैं तो कोई दिक्कत को नहीं। बगैर गवर्नमेंट के हम ना, मेरा गवर्नमेंट की गाड़ी है। मेरे भाई सुनो, अब सुनो तो लो, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसबीर है। जसबीर भाई आप सुन तो लो, सिर्फ 5 मिनट लगेगी, सुन तो लो। आपने 5 मिनट लगे अपने टेक्निकली नाम वहाँ को लेते हैं, ये एरिया ये सील कर रखा है भाई साहब, ठीक है। हेलो यार जमींदार के भाई सुनो, 5 मिनट लगे। जो बीमार था वो ठीक तो हो गया है, ये कैसे रहेगी? अंकल जी डीसी के आदेश आएंगे तभी तो खुलेगा ना। तो 37 आदमी थे ये, 36 क्लियर हो ली है, वो भी क्लियर हो लिया, ये फिर झगड़ा के आगे बात कर रहे हैं। नहीं क्लियर तो फिर, लेकिन एक बात, डीसी का आदेश नहीं तब तक कैसे खुलेगा? डीसी 18 भाई साहब है। हां जी, आपके पास कोई आदेश है खुलने का? नहीं आया भाई। नहीं आया ना? नहीं आया। देखो भाई साहब, आपके कौन से खुल जाएगा? 18 तारीख को खुल जाएगा, जब 36 आदमी क्लियर हो लिया, एक आदमी में क्या असर रहेगी? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जींद की जो जनता है कितनी परेशान, यहाँ पर जो कंटेनमेंट जो एरिया यहाँ पर बना रखा है कि जो सील कर रखा है, और ऐसे अंकल भी कह रहे हैं कि जो ठीक हो चुके हैं तो एक बार डिलीवरी कैसे बताओ, हम कैसे करेंगे बोल। चलो अंकल, जींद डीसी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? है क्या अपील करेंगे आप बताओ? हमारे खोलो जी डीसी, डिलीवरी कैसे गया वो बीच में मर गया, जो कौन जिम्मेवार होगा उसका बोल, कौन जिम्मेवार होगा उसका बच्चे का? अपनी फसल लेकर मंडी में आओ, उसके लिए तो रायत होनी चाहिए, फिर जमींदार के लिए तो रायत होनी चाहिए ना। फिर अपनी फसल बेचना है तो यार यहाँ रोक दिया कि मैं मतलब खेत में जाके हमने पानी लगाना नहीं रही ऊपर ते, तो जमींदार यहाँ कैसे खड़ा होगा? बिल्कुल। चलो तो ये जो चौपट होगी उसके अगली फसल भी चौपट करने के ऊपर तो लिए सरकार। ग्राउंड मीडिया का मुख्य उद्देश्य है कि जो देवीलाल चौक से लेकर के जो रोहतक रोड पर जो ये सीधा जो अनाज मंडी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, केवल ये दिखाने का उद्देश्य है किस रास्ते के ऊपर डीसी साहब ने एक बार सोचना चाहिए कि अभी जो भी आगे मरीज था वो ठीक हो चुका है। अभी जो परेशान जिस कॉलोनी में मरीज था उसकी गली तो सारी खुली है, उनके अंदर से कोई आओ जाओ, और मेन रोड पे ही डिलीवरी कैसे है? अरे कोई किसी की डेथ होगी, बच्चे की बहू की, कौन जिम्मेवार होगा उसका? बिल्कुल 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 जी, सरकार जिम्मेवार होगी उसकी, लिख के लेने लेंगे हम। ये कोई तरीका थोड़े है, कोई डिलीवरी केस हो, किसी चोट लग जाए, पेट लग जाए, और लग जाए, वो कहाँ को जाओगा वो बता। बिल्कुल, तो देख सकते हैं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। ये सरकारी बड़ा तीव्र है, छोटा के खोल लोगे। आप देख सकते हैं कि किसान है, ये भी काफी परेशान। आप इस तरफ को आए थे जी? हाँ उरो गए थे सवेरे, सवेरे गए। मकान कहाँ पे आपका? मकान अगली साइड मकान है भाई साहब। ये तो जमींदार ने तो निकलन दो एक बार, ये बुकी है। अच्छा हाँ जी भाई साहब,
बंद करा दो। हाँ जी भाई साहब, ये बुग्गी बल दिया तो निकलेगी ना? अब बुग्गी बल तो निकलेगी, उरा तो घर इनका खेत में इसका मकान हो रहा है। अंकल जी आपकी निकलेगी, आपकी बुग्गी बल अभी निकलेगी, निकलेगी ये चाहे फड़क गया तो किसकी मात्र लगा बढ़ देती है चोट मार देगा। यूँ बताओ तो देख सकते हैं यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा हरियाणा पुलिस को भी, और खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब, या तो सारा शहर बंद कर दो, ये बहन चो दूर है तो लेकर ये रजवाया थी तो कुट कर रखा है मैंने रास्ता जून सा, और आवारा गिरती में फिरे लोग, कोई कोई नहीं किसान है वो धक्के खांदा फिरे है बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसके ऊपर जिन प्रशासन ने थोड़ा सोचना चाहिए कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। एक बार फिर कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, जनता पुलिस से भिड़ने को तैयार है यहाँ आपस में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा नैतिकता का फर्ज अदा करे जींद की जनता। तो ग्राउंड मीडिया के लिए ये यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि एक बार जो इस भीड़ को इसको खोल दिया गया ताकि अव्यवस्था न फैले यहाँ पर, और जो ट्रैक्टर हैं यहाँ पर ये निकल जाएंगे यहाँ पर। ये तस्वीरें हम ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, एक बार ये निकाल दिया ताकि यहाँ पर अव्यवस्था न फैले। आप देख सकते हैं इसमें, और खुद भी यहाँ पर जिला प्रशासन जींद ने भी सोचना चाहिए। ताऊ जी आपने कहाँ जाना? बाईपास पर बैनी रोड पर जाना। तो देख सकते हैं ये सरसम लेकर के जैसे कुछ किसान यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किसान जो भी फसल लेकर के आया था उसकी निकलने दी अभी जैसे कुछ बातचीत करके। तो ग्राउंड मीडिया की जो ग्राउंड की रिपोर्ट है आप देखते रहिए, इसी प्रकार से हम दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।